साथियों जय भीम। वीडियो नंबर वन में हम लोगों ने तीन विद्वानों का विश्लेषण किया, जिसमें कि तीनों ने जाति प्रथा पर क्या बोला था और बाबा साहब ने उनके बारे में क्या कहा है। अब हम डॉक्टर केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने इस विषय को और विशद रूप दिया है। केवल यही बात नहीं है कि वह भारत के निवासी हैं, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्ष राय दी है, जो जाति प्रथा के बारे में उनके अध्ययन के कारण हुआ है। उनकी परिभाषा विचारणीय है, क्योंकि उन्होंने जाति तंत्र का विश्लेषण जाति प्रथा के आधार पर किया है और अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों तक केंद्रित रखा जो जाति प्रथा के अंतर्गत जाति के अस्तित्व में अनिवार्य है। उन्होंने फालतू बातों की ठीक से अवहेलना की है, जो गौण और क्षणिक है। उनकी परिभाषा के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके विचारों में ही थोड़ी भ्रांति है, वैसे उनमें विशदता और अस्पष्टता है। वह रोटी बेटी के व्यवहार में भेद की बात कहते हैं। मेरा कहना है कि मूल बात एक ही है, रोटी से भी परहेज है और बेटी से भी परहेज है। पर डॉक्टर केतकर ने बताया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप परिधि संकुचित कर लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों लक्षण एक ही पदक के मुख्य भाग तथा पृष्ठ भाग हैं। जाति तंत्र के इस समीक्षात्मक मूल्यांकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सजातीय विवाह का निषेध या ऐसे विवाह का न पाया जाना ही जाति प्रथा का मूल है। परंतु अमूर्त नृविज्ञान के आधार पर कुछ लोग इस बात को नकार सकते हैं, क्योंकि सजातीय विवाह के पक्षधर वर्ग जाति समस्या बढ़ाए बिना ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः यह संभव है, क्योंकि यह एक मूर्त सत्य है कि सजातीय विवाह समर्थक समाज सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर अलग बस्तियों में बस सकता है, जहां एक दूसरे से कोई मतलब न हो। इस बारे में एक युक्तिसंगत उदाहरण दिया जा सकता है कि अमेरिकन भारतीयों के नाम से विख्यात निग्रो समुदाय और गोरों के विभिन्न कबीले अमेरिका में मौजूद हैं। परंतु हमें इस संबंध में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि भारत की स्थिति इससे भिन्न है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीय प्रथा है। भारत के विभिन्न प्रजातियां कुछ खास क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका आपस में मेल जोल है तथा उनके सांस्कृतिक एकता है, जो सजातीय समाज का एकमात्र मापदंड है। ऐसी सजातीयता को आधार मानने से जाति प्रथा एक नई समस्या का रूप धारण कर सकती है, जो केवल सजातीय विवाह के समर्थक समाज या कबीलों से अलग स्थिति में है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ है समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना, जो रीति रिवाजों और शादी व्यवहार की विभिन्नताओं से बंधे हों। परिणाम अस्पष्ट है कि सजातीय विवाह एकमात्र लक्षण है जो जाति प्रथा की विशेषता है, और यदि हम यह जताने में सफल हो जाएं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं, तो हम व्यवहारिक रूप से यह साबित कर सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका ताना बाना क्या है। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जाति प्रथा की जड़ क्यों मानता हूँ। मैं आपको पशोपेश में डालना नहीं चाहता, मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है
जो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल से भी पूरे जोर शोर से इस प्रकार पर हावी है। इस सिलसिले में मैं बहिर्गोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाह का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन के साथ साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाहों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीला प्रथा मौजूद है, हालांकि कबीले नहीं रहे। विवाह पद्धति इसका प्रमाण है जो बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित है। यहाँ सपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिर्गोत्र विवाह से संबंधित हैं। ऐसे ही अन्य वर्ग भी हैं जो टोटम अर्थात देवों को मानते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विधान है और इसका उल्लंघन संभव नहीं है। यहाँ तक कि जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र बाहर विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति बाहर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं कि बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जाति प्रथा का आधार ही मिट जाए, क्योंकि बहिर्गोत्र का अर्थ परस्पर विलय है, परंतु हमारे यहाँ जाति प्रथा है। परिणाम यही निकलता है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ बहिर्गोत्र विवाह से अंततः जाति अर्थात सजातीय विवाह का विधान भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल मूल्य रूप से बहिर्गोत्री समाज में सजातीय विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है, जो जाति प्रथा का मूल है और एक गंभीर समस्या है। इस विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाहों के रहते सजातीय विवाह होता है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा की बहिर्गोत्र विवाहों पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारण है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक ऐसे समुदाय हैं जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाए। यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतरजातीय विवाह निषेध का उल्लंघन करता है और अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है तो वह व्यर्थ है। विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कि सजातीय विवाह प्रथा के पहले सभी विवाह बहिर्गोत्र ही होते थे, फिर भी सभी वर्गों में यह प्रकृति है कि वे सम्मिश्रण के पक्षधर हैं और वे एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति का प्रतिकार किया जाए तो यह आवश्यक है कि जिन वर्गों के बीच में विवाह संबंध नहीं है उन्हें भी प्रतिबंधित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है परिधि का बढ़ाया जाना। इसके बावजूद बाहरी समुदाय में शादी व्यवहार को रोक देने से आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका समाधान सरल नहीं है। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होती है और समान वय के स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती है, किंतु
समाज उन्हें बराबर नहीं मानता है। साथ ही जो समुदाय जाति संरचना करता है उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल हो ही नहीं सकता। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति संरचना की सफलता के लिए स्त्री पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा चरमरा उठेगी। जातियों की समस्या के समाधान के लिए विवाह योगी स्त्री पुरुष संख्या की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी हो सकती है जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति की मृत्यु हो जाए। इसके लिए यह संतुलन बना रह सकता है, ऐसा असंभव है। वास्तव में पति के मरने पर पत्नी बच जाती है और पत्नी के मरने पर पति बच्चा रह जाता है। इस प्रकार इन बच रहे स्त्री पुरुषों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि कोई बचा हुआ पुरुष या स्त्री जाति के बाहर विवाह करके जाति व्यवस्था के जाल को छिन्न भिन्न कर दे। यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए और उन्हें नव युगल बनाने का कोई नियम नहीं बनता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त स्त्री पुरुष बचे रहेंगे। ऐसे यह बहुत संभव है कि वे सीमाएं लांघ जाएं तथा बाहर विवाह रचा लें और जाति में विजातीय लोगों को भर लें। अब यह देखें कि जिस वर्ग की हमने ऊपर कल्पना की है वह इन बचे हुए स्त्री पुरुष का क्या होगा। पहले हम विधवा स्त्रियों को लेते हैं। उनका दो तरह से इंतज़ाम किया जा सकता है जिसमें कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहला है उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए और उसमें मुक्ति पा ली जाए। स्त्री पुरुष अंतर को घटाने के लिए यह एक अव्यवहारिक तरीका है। कुछ मामलों में यह संभव है, कुछ में नहीं। नतीजा यह निकला कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है लेकिन बहुत कटु स्थिति है। इस तरह विधवाएं यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सकें और वे जाति में ही बनी रहें तो दोहरा खतरा पैदा हो सकता है। वह जात बाहर विवाह कर लेंगी और सजातिवाद को तिलांजलि दे देंगी और मुकाबलेबाजी में अपनी जाति की उन स्त्री का हक मार लेंगी जो विवाह योग्य है। इस तरह यह खतरा है। यदि वह उसके पति के साथ जलाई न जा सके तो उसका कुछ इंतज़ाम करना होगा। दूसरा निराकरण है कि उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। यहाँ तक कि वांछित परिणाम का संबंध है, उसे जला देना सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से तीनों आशंकाएँ जिनका विधवा को सामना करना पड़ता है नष्ट हो जाती हैं। मरने से वह कोई समस्या नहीं रहेगी और वह न जाति के बाहर और न ही जाति के पुनर्विवाह करेंगे। परंतु उसे विधवा रूप में जीवित रहने देना जलाने से अच्छा और व्यवहारिक भी है। जहाँ यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है इससे पुनर्विवाह की आशंका भी टलती है, परंतु इससे उस वर्ग की नैतिकता स्थापित नहीं की जा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनिवार्य वैधव्य में स्त्री बच जाती है, परंतु पूरे जीवन उसे किसी की वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इससे अनैतिकता के लिए रास्ते खुलते हैं लेकिन यह कोई दुसाध्य कार्य नहीं है। उसे इस हालत में लाया जा सकता है कि उसमें आकर्षण लेस मात्र भी न बचे।
जाति संरचना वाले समुदाय में बचे पुरुषों यानी कि विधुरों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह विधवाओं की अपेक्षा अधिक विकराल है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष का स्त्री की अपेक्षा अधिक महत्व रहा है। इसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है, इसकी प्रतिष्ठा अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उसकी इच्छाओं का सदा सम्मान किया जाता रहा है। दूसरी ओर नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही हैं। इस हालत में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया गया है जैसा बचे हुए पुरुषों यानी विधुर के साथ किया गया है। उसे उसकी मृत पत्नी के साथ जला डालना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया नहीं जा सकता है क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे, यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए दो विकल्प रह जाते हैं। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी है। वह समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करें। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार में ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। यह समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी आत्मसंयम बरत सकते हैं या वे इससे भी चार कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति के देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में संभव है कि ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकता है। इसके आगे हम बात करेंगे दूसरी दृष्टि यानी ब्रह्मचर्य के बारे में, बाबा साहब की क्या राय है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट्स और शेयर करना, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगले यानी पार्ट 3 में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। शुक्रिया।